विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह है संचार के साधन। लेकिन संचार के साधनों के विषय में जानने से पहले हम जानेंगे कि संचार किसे कहते हैं। तो एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाना संचार कहलाता है, और बात पहुँचाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें संचार के साधन कहा जाता है। अच्छा, हम अपनी बात किस तरह से सब तक पहुंचा सकते हैं? लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे? उस समय में पत्र कुछ खास लोगों के माध्यम से भेजे जाते थे, जिन्हें हरकारा कहा जाता था। जब वे चलते थे, उनके डंडे में लगी घंटियों की खनक से लोगों को उनके आने का पता चल जाता था। इसके अलावा कबूतर और घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। तो ये तो हुए प्राचीन तरीके। लेकिन आज के समय में पत्र कैसे भेजे जाते हैं? आज के समय में वैन, बस, ट्रेन या प्लेन से भी पत्र भेजे जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आजकल आप लोग दूर रह रहे अपने परिजनों से कैसे बात करते हैं? टेलीफोन से ना? बिल्कुल सही। पर क्या तुम्हें पता है, फोन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ फोन तारों से जुड़े होते हैं और एक ही स्थान पर रखने होते हैं, उन्हें लैंडलाइन फोन कहा जाता है। और ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं बदले जा सकते। लेकिन मोबाइल फोन को हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इस मोबाइल से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। और ये संभव कैसे होता है? ये संभव होता है इंटरनेट की सहायता से। संचार को आधुनिक और तीव्र बनाने में इंटरनेट का बहुत योगदान है। कंप्यूटर की सहायता से जो पत्र हम भेजते हैं उन्हें हम ईमेल कहते हैं। पहले सिर्फ कंप्यूटर से ईमेल भेज पाते थे, लेकिन आज हम मोबाइल से भी मेल भेज सकते हैं। और ये मेल कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि आपको संचार का अर्थ और संचार के साधनों की जानकारी है? तो एक बार फिर देखें कि संचार क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात औरों तक पहुंचाना संचार कहलाता है, और इसके लिए उपयोग किए गए साधन संचार के साधन। तो अब आप अपने घर के बड़ों से पूछें कि जब वे छोटे थे तो कौन कौन से संचार के साधनों का प्रयोग अपनी बात पहुंचाने के लिए करते थे, और आप क्या क्या साधन उपयोग करते हैं, और दोनों में क्या अंतर है। फिर मिलेंगे।